8,40,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट किया, वो सुपर गधे, सुपर इडियट, इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करके नहीं चलेगा। कुछ अमाउंट थी जिसके ऊपर 5% जब उन्होंने ऐड किया तब जाके 8,40,000 मिला है। सो ये 5% 8,40,000 के ऊपर नहीं है, 5% वो सामान के वैल्यू के ऊपर है, और सामान की वैल्यू कितनी कैसे ढूंढेंगे, तो अपने को करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चीज हमने की थी सर्विस टैक्स में, जब अमाउंट वॉज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स, यहाँ पे अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ वैट। अब मैं कैसे करूंगा, अब जरा देखो शेड्यूल सी के लिए, अगर मैं वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर MVAT ऐड करूं तो मुझे फाइनल बिल अमाउंट मिलेगा। जैसे सर्विस टैक्स में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स ऐड करने के बाद बिल अमाउंट मिल रहा था, यहाँ पे गुड्स का वैल्यू है। सपोज शेड्यूल सी के 100 रुपीज के सामान को बेचूंगा तो 5% का वैट आएगा, 100 के ऊपर 5%, सो टोटल हो जाएगा 105। इन्होंने जो 8,40,000 दिया है दैट इज बिल अमाउंट, और मुझे चाहिए वैट। अब मैं वैट कैलकुलेट करूंगा, 8,40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, और मुझे मिल जाएगा 40,000। ऐसा ही अगर सेम टू सेम मैं शेड्यूल ई के लिए करूं, सो 100 रुपीज का सामान 12.5% का वैट, तो मिलेगा 112.5। उन्होंने अमाउंट दिया 22,50,000। अब मैं ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा 22,50,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 112.5, टोटल आ जाएगा 2,50,000। अब जिनको लॉजिकली समझा अच्छी बात है, जिनको लॉजिकली नहीं समझा, जिनको रट्टा ही मारना होता है, उनके लिए एक फॉर्मूला मेरे पास है। फॉर्मूला क्या है, वैट कैसे मिलेगा, बिल अमाउंट इंटू MVAT के परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस MVAT का परसेंटेज। हे भगवान सर लॉजिकली समझेगा, तो ठीक है देखो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, MVAT रुपीज हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब शेड्यूल ई का सी का जो हमने किया था 8,40,000, MVAT का रेट था 5% डिवाइड बाय 100 प्लस 5 105 आ गया 40,000, और अपना यही आंसर आया था। वैसे ही शेड्यूल ई का हमने किया था 22,50,000 इंटू 12.5% का रेट डिवाइड बाय 100 प्लस 12.5, टोटल बन गया 2,50,000। और इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जरा देखो, अब ये नोट में लिखने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन में पहले सॉल्व करता हूँ। देखो शेड्यूल ए, शेड्यूल ए का सामान जब उसने बेचा था, वो बेचा था 100,000 रुपये में, तो मैं क्या करूँगा, शेड्यूल ए 100,000 इंटू 0 डिवाइड बाय 100 प्लस 0 100 MVAT आएगा 0। ऐसा ही उसने शेड्यूल बी का सामान भी बेचा, जो उसने बेचा है 5,05,000 में, 5,05,000 शेड्यूल बी का रेट होता है 1 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 101, टोटल बन गया 5,000। फिर शेड्यूल सी का सामान उसने बेचा था, जो बेचा था 8,40,000 में इंटू 5 डिवाइड बाय 105, हो गया 40,000। ऐसा ही उसने सामान बेचा शेड्यूल ई का, जो उसने बेचा था 22,50,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 12.5 112.5, तो कितना आ गया 2,50,000। टोटल कितना बन गया 2,95,000। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन के नीचे दिया है, सेट ऑफ परचेस 1,40,000, तो इसमें से 1,40,000 जब माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे 1,55,000, एंड दिस इज माय MVAT टेबल। सो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट जो हम लोग ऑलरेडी कुछ सालों से करते आ रहे हैं। अब पहले क्या करना है, पहले मैं वहां पे नोट लिख रहा हूं, वो नोट कॉपी करना, नोट के बाद ये क्वेश्चन कॉपी करना। तो ये मैंने नोट लिख दिया, ये बादल के अंदर मैंने कंसेप्ट लिखा है, उसका छोटा सा एग्जाम्पल हमने किया है, और हम लोग लॉजिकली करेंगे तो भी सेम आंसर, टेक्निकली फॉर्मूला से करेंगे तो भी सेम आंसर, सेम टू सेम आंसर। उसके बाद पहले ये कॉपी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 17 कॉपी करो, और आज के लिए इतना ही।
तो मैं आ गया हूँ। तो आखिरी लेक्चर में हमने ना कैलकुलेशन ऑफ एमवैट चालू किया था, आज थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कुछ ऐसा देखने वाले हैं कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स आंसर आ रहा है माइनस में। अब जरा इधर देखो, डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बनाया, अपने बुक में भी क्वेश्चन है, बड़ी थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। सो डिटेल्स ऑफ परचेज दिया है शेड्यूल सी एंड शेड्यूल ई, फिर डिटेल्स ऑफ सेल्स दिया है शेड्यूल सी एंड शेड्यूल ई, रेट भी उन्होंने दिया है। कैलकुलेट एमवैट लाइबिलिटी, चलो एमवैट लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सो एमवैट लाइबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। आउटपुट टैक्स किस पे आएगा, इस पे। तो देखते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स में सबसे पहले उसने क्या क्या बेचा है। उसने शेड्यूल सी का सामान बेचा है, शेड्यूल ई का सामान बेचा है। शेड्यूल सी का सामान 100,000 में बेच दिया, चलो शेड्यूल सी 100,000, सो विल कैलकुलेट 5% ऑन 100,000, वो आएगा 5,000। आफ्टर दैट उसने और क्या बेचा है, ये सोल्ड शेड्यूल ई गुड्स फॉर रुपीज 2,00,000। सो शेड्यूल ई के गुड्स उसने 2,00,000 रुपए में बेचे, सो 12.5% ऑफ 2,00,000, वो आएगा 25,000। सो टोटल हो गया 30,000। इसका मतलब क्या, अभी तक के सोल्यूशन को अगर मैं रीड करूं, हम लोग सॉल्यूशन भी रीड करते हैं, तो यहाँ तक के सॉल्यूशन को अगर मैं रीड करूँ तो मैंने शेड्यूल सी का और ई का सामान बेचा, 100,000 में बेचा, 100,000 लेके जेब में रख दिया, ये 200,000 में बेचा, ये 200,000 लेके जेब में रख दिया, प्लस दोनों जगह से मैंने एमवैट भी कलेक्ट किया है। सो टोटल 30,000 का एमवैट मेरे हाथ में है। ये पूरा एमवैट मैं गवर्नमेंट को पे नहीं करूँगा, इसमें से कुछ अमाउंट जेब में रखने की परमिशन होती है। इसमें से क्या जेब में रख सकता हूँ, एमवैट ऑन परचेस, परचेस का एमवैट में जेब में रख सकता हूं, जिसको बोलते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका और एक नाम होता है वो होता है सेट ऑफ। डन। तो उसने क्या क्या परचेस किया था, उसने सबसे पहले परचेस किया था शेड्यूल सी और फिर बाद में परचेस किया था शेड्यूल ई। शेड्यूल सी उसने परचेस किया है 80,000 में, सो 80,000 इंटू 5% जो आने वाला है 4,000। उसके बाद उसने शेड्यूल ई का सामान परचेस किया था 4,50,000 में, इंटू 12.5%, ये कितना आएगा 56,250। सो द टोटल इज 60,250। तो मुझे बताओ 30,000 में से मैं 60,250 जेब में रख सकता हूँ क्या, नहीं, ऐसा कैसा रखूंगा। तो आंसर आ रहा है माइनस में, माइनस में कितना आएगा 30,250। तो माइनस में आंसर का मतलब क्या है, गवर्नमेंट मेरे को टैक्स देगा नहीं, टैक्स तो हम ही देते हैं, गवर्नमेंट अपने को कभी टैक्स नहीं देता है। तो इसका क्या करेंगे, इसको हम नाम देंगे उधार, ये गवर्नमेंट पे उधार है। चलो अगले महीने में, अगले महीने फॉर एग्जाम्पल आउटपुट टैक्स आ रहा है 90,000 और उस महीने में इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ मुझे मिल रहा है 40,000, तो उस महीने में पेबल कितना है 50,000। तो गवर्नमेंट मुंह उठा के अपने पास आएगा, बोलेगा चल भाई 50,000 पे कर। हम क्या बोलेंगे, भाई ज़्यादा शांत पट्टी नहीं चाहिए, उधार पहले चुकता कर, बिना उधार हम लोग ये पे नहीं करने वाले। तो ये उधार अभी हम लोग चुकता करने वाले, इधर से वो उधार एडजस्ट होगा 30,250 माइनस होने के बाद जो बचेगा मेरे ख्याल से 19,750 जो भी होगा वो अपने को पे करना पड़ेगा। तो दिस इज माय एमवैट पेबल अगले महीने, मतलब क्या, तो ये उधार है ना, ये उधार अगर आंसर माइनस में आता है उस उधार को हम लोग अगले पीरियड में एडजस्ट कर सकते हैं, अगले पीरियड में लेके जा सकते हैं। बट उधार बोलेंगे तो अच्छा लगता है क्या, नहीं। तो इसका कुछ अच्छा नाम होना चाहिए, इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे कैरी फॉरवर्ड। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले पीरियड में, और अगले पीरियड में हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट या फिर अनयूज्ड क्रेडिट। बट फिलहाल ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी पूछा नहीं है, तो हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे कैरी फॉरवर्ड, ये हम लोग लेके जाएंगे सब्सिक्वेंट पीरियड में। तो इस कंसेप्ट में हमने क्या देखा, अगर आंसर माइनस में आता है, अगर आंसर माइनस में आता है तो उस माइनस अमाउंट को हम लोग पे नहीं कर सकते और ना ही गवर्नमेंट अपने को पे करेगी, तो उसको उधार समझेंगे और ये उधार अगले पीरियड में लेके जाएंगे और अगले पीरियड में एडजस्ट करेंगे। तो मैंने वही लिखा है, इफ आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ नेगेटिव अमाउंट देन सच अमाउंट शैल बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड, इट विल बी एडजस्टेड विद एमवैट लाइबिलिटी ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड। तो पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सारे नोट्स को एक एक बादल बना के लिख रहे हैं। तो फटाक से ऐसा ही बादल बनाओ,
ये नोट लिखो, ये क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन के बाद उस आंसर को भी लिखो, इसके बाद हम लोग जाएंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। तो ये बहुत ही सिंपल सा और वाहियात सा कंसेप्ट था, जल्दी जल्दी इसको लिख दो। ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, बट ये कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं सिर्फ उस कंसेप्ट को समझने के लिए कि एग्जैक्टली कैरी फॉरवर्ड और एडजस्ट कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखो क्या दिया है। इन May 2009 द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ₹1000। ओके तो इनपुट टैक्स क्रेडिट था 1000, द आउटपुट टैक्स पेएबल इज ₹500। अच्छा आउटपुट टैक्स 500, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1000, हम लोग क्या करेंगे May 2009। चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मई 2009 के लिए उन्होंने क्या डेटा दिया है, आउटपुट टैक्स उन्होंने दिया 500 और इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने दिया 1000। आई ला आंसर माइनस में आया, अब क्या करेंगे, चलेगा आंसर माइनस में, तो इसको हम लोग करेंगे कैरी फॉरवर्ड। अब ये उन्होंने दिया था मई 2009 के लिए, अब देखते हैं जून 2009 के लिए उन्होंने क्या डेटा दिया, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट तो दिया होगा। चलो देखते हैं, उन्होंने दिया है इन जून 2009 देयर इज नो फर्दर इनपुट टैक्स क्रेडिट बट द आउटपुट टैक्स पेबल इज ₹700, शो हाउ वैट विल बी पेड एडजस्टेड इन दीज अमाउंट्स। ठीक है तो उन्होंने क्या दिया है, आउटपुट टैक्स अगले महीने का दिया है 700 और इनपुट टैक्स कुछ भी नहीं, तो उस महीने का मुझे पेबल आ रहा है 700। गवर्नमेंट आता है बोलता है चल भाई 700 पे कर, हम क्या बोलेंगे, अरे भैया पिछले महीने का उधर तो एडजस्ट करो, इस उधर को भी एडजस्ट करेंगे, तो माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट 500 रुपीज, जो पिछले महीने का उधर बाकी था उसको एडजस्ट करेंगे और जो बचेगा वो मैं पे करूंगा। अच्छा इधर भी आंसर माइनस में आया तो ठीक है उसको भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बट फिलहाल तो मेरे लिए आ रहा है MVAT पेबल, तो जल्दी से इस आंसर को फटाफट कॉपी करो, ऐसा ही कॉपी किया तो भी चलेगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, सिर्फ इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने लिखा है। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 10। सपोज एक एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर मतलब कौन होता है, इंपोर्टर मतलब कौन होता है, महाराष्ट्र के बाहर से परचेस करने वाला। मैंने तुम लोग को बोला था हमने डेफिनेशन पार्ट जब किया था तो 10th डेफिनेशन हमने की थी इंपोर्टर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी किया था, वहाँ पे भी हम लोग देखते थे इंपोर्टर होता है अदर डीलर होता है। सो इंपोर्टर मतलब महाराष्ट्र के बाहर से परचेस करके महाराष्ट्र में जो लेके आएगा उसको बोलेंगे इंपोर्टर। उस लॉजिक के हिसाब से एक्सपोर्टर क्या होना चाहिए था, एक्सपोर्टर मतलब होना चाहिए था महाराष्ट्र के बाहर सेल करने वाला, बट MVAT के लिए एक्सपोर्टर मतलब इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने वाला, इंडिया के बाहर सेल करने वाला। तो मुझे बताओ MVAT के प्रोविजन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, महाराष्ट्र में विद इन स्टेट अगर मैं सेल करूंगा तो उसको सेल बोलेंगे, अगर मैं कैनेडा सेल करूंगा तो कैनेडा भेजूंगा तो उसको मैं महाराष्ट्र बोलूंगा क्या, नहीं कैनेडा किधर है, महाराष्ट्र में नहीं, तो उस पर MVAT प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। तो आउटपुट टैक्स तो आएगा ही नहीं, तो आउटपुट टैक्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट विल ऑलवेज बी जीरो। अच्छा बट मैं लोकली परचेस करूंगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो होगा ना, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर एग्जांपल 40,000, सो माय आंसर इज -40,000। अब इसको क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड, सो सिंपल। चलो अगले महीने देखते हैं, अगले महीने आउटपुट टैक्स जीरो क्योंकि उसने फिर से एक्सपोर्ट किया, अगर उसने एक्सपोर्ट किया तो आउटपुट टैक्स तो जीरो ही आएगा, सो आउटपुट टैक्स जीरो माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर भी उसने लोकली परचेस किया होगा 50,000,
तो माइनस करके आंसर आएगा माइनस 50,000। ये माइनस 50,000 के साथ पिछला उधार एडजस्ट करेंगे, ये एक उधार और पिछले महीने का फिर से उधार, डबल उधार बन गया माइनस 90,000। सो माय अनयूज्ड क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 90,000। ठीक है, अगले पीरियड में लिखते हैं। अगले पीरियड में फिर से आउटपुट टैक्स जीरो माइनस फिर से इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने लोकली परचेस किया होगा, हो सकता है आगे 1,00,000। सो माय आंसर इज अगेन माइनस 1,00,000। और ये उधार और पिछले महीने का बचा हुआ उधार 90,000, फिर से मेरा आंसर आएगा माइनस 1,90,000। मैं फिर से इसको करूंगा कैरी फॉरवर्ड, ऐसे चलता रहेगा। मुझे बताओ इस इनपुट क्रेडिट का मैं कभी भी फायदा ले सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि मेरा आउटपुट टैक्स तो हमेशा जीरो ही आने वाला है। जब तक ये जीरो से कुछ बढ़ के आगे नहीं जाता तब तक मैं इसका फायदा उठा ही नहीं पाऊंगा, और ये मेरा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो एक्सपोर्ट करता हूं। अब क्या करें? अब सर्विस टैक्स में कैसा था, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब इंडिया का इंसान इंडिया के बाहर सर्विस प्रोवाइड करेगा और फॉरेन करेंसी लेके आएगा, तो उस केस में देर वॉज नो नीड टू पे सर्विस टैक्स। एक्सपोर्टर लोगों के लिए सर्विस टैक्स आई नहीं। सेम चीज इधर भी है, एक्सपोर्टर लोगों के लिए एमवैट है नहीं, बट इधर गड़बड़ ऐसी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो है, उसका क्या करूँ, वो तो मेरे जेब से चला गया, इसका मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, चल भाई तू अच्छा काम कर रहे, तू इंडिया के बाहर सामान सेल कर रहा है, वहां से फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आ रहा है जिसकी देश को बहुत जरूरत है, चल तेरे लिए एक फायदा, तेरे लिए फायदा ऐसा है तुझे ना ये कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम तुझे रिफंड दे देंगे क्योंकि तूने अच्छा काम किया, हमारे तरफ से तुझे गिफ्ट कि जो भी तेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट था द एंटायर अमाउंट विल बी रिफंडेड टू यू विद इन 3 months, विद इन 90 days। इधर भी सेम चीज़, अब उधर तो कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है ही नहीं, ये तुझे मिल जाएगा रिफंड अगले महीने, फिर से तू एक्सपोर्ट करेगा, उसका जो भी लाइबिलिटी होगा जो भी क्रेडिट होगा वो तुझे मिल जाएगा रिफंड। तो एक ही बेनिफिट एक्सपोर्टर लोगों को मिलता है कि तुम लोग का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट था जो जनरली लोगों को माइनस करना पड़ता है उनके आउटपुट टैक्स में से, बट यहाँ तेरा आउटपुट टैक्स नहीं होने की वजह से ये तो माइनस करना पूरा वेस्ट हो रहा था, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, हम ये तुझे रिफंड दे देंगे। सो मैंने क्या लिखा है, एक्सपोर्टर इज अ डीलर हु सेल्स गुड्स आउटसाइड द स्टेट। देखो ये सेंटेंस है ना, तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इन सच केसेस आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज जीरो बिकॉज MVAT इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के ऊपर MVAT इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये भी तुम लोग को ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। एंटायर इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी रिफंडेड टू द एक्सपोर्टर विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर सारा का सारा इनपुट टैक्स तुम लोग को रिफंड मिल जाएगा। नो नीड टू कैरी फॉरवर्ड सच क्रेडिट, उस क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करने की कौनू जरूरत नहीं। अब तुम लोग क्या करोगे, इस चीज को लिखोगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन चलो अभी सॉल्व कर ही लेते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद तुम लोग पूरा कंसेप्ट लिखने वाले हो। सो क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट टैक्स पेबल अंडर MVAT फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर मे 2014 अज्यूमिंग MVAT रेट एट 12.5%। अगर उन्होंने रेट नहीं दिया होता तो भी हम लोग 12.5% ही लेते। परचेस प्राइस ऑफ इनपुट 10 lakhs, सेल प्राइस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड 15 lakhs। चलो देखते हैं आउटपुट टैक्स, तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो माय आउटपुट टैक्स उसने कितने में बेचा है, शेड्यूल ई का सामान उसने बेचा है 15 lakhs में। सो 15 lakhs के ऊपर उसने जो भी बेचा है वो उसने किया है एक्सपोर्ट, तो आउटपुट टैक्स विल बी जीरो। माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, दूसरा नाम है सेट ऑफ। अब सेट ऑफ ये तो उसने लोकली परचेस किया था, तो शेड्यूल ई का सामान जो उसने परचेस किया है वो उसने परचेस किया है 10 lakhs में। अब उसने 10 lakhs में परचेस किया, 10 lakhs का 12.5% 1,25,000 डन। तो ये जो भी माइनस में आंसर है ये अपने को रिफंड मिल जाएगा 1,25,000 विद इन 90 days, विद इन 3 months। इसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो, ये कंसेप्ट तुम लोग को पूछते हैं ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। तो ये वाला पार्ट लिखो, इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स है, फिर ये वाला भी एक पॉइंट है, तो बस कॉपी कर लो।
ओके तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विजय मैन्युफैक्चर कंपनी और भाइंगर, ये भाइंगर किधर है, महाराष्ट्र में के महाराष्ट्र के बाहर? महाराष्ट्र में। सो विजय मैन्युफैक्चर कंपनी ऑफ भाइंगर हैज मेड द फॉलोइंग सेल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी 2015। चलो चेक करते क्या क्या बोला है उसने, ये सारे सेल किए 2 जनवरी 2015 को। देखो पहले क्या क्या उन्होंने कॉलम दिया, डेट, बिल नंबर, टैक्स इनवॉइस, पार्टी, नेट अमाउंट एंड रिमार्क। चलो पढ़ते हैं। 2 जनवरी 2015 को टैक्स इनवॉइस नंबर 101 गणेश एंड कंपनी को उसने सेल किया है 10,000 का। रिमार्क क्या दिया, 12.5% ऑफ शेड्यूल ई, ठीक है, तो शेड्यूल ई का सामान उसने बेचा। फिर सुहास एंड कंपनी को 10,000 का सामान उसने बेचा है 5% शेड्यूल सी। फिर निकेश एंड कंपनी दिल्ली, दिल्ली महाराष्ट्र में क्या? नहीं, मतलब इस पे एमवेट नहीं आएगा, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, तो छोटा सा क्रॉस कर लो। सो 15,600 का ओएमएस आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट उसने सेल किया है, क्रॉस कर लो। नेक्स्ट दिया है बालकृष्ण एंड कंपनी 2,000 का लेबर चार्जेस। ये लेबर चार्जेस मतलब सामान सेल किया के लोग भेजे काम करने के लिए, लेबर चार्जेस मतलब लोग भेजे काम करने के लिए, तो दैट इज सर्विस, दैट इज नॉट सेल। सो लेबर चार्जेस के बाजू में भी क्रॉस कर लो। प्रशांत एंड कंपनी 5,000 शेड्यूल ए गुड्स, ये शेड्यूल ए गुड्स मतलब एमवेट आएगा बट 0% आएगा, तो क्रॉस करके नहीं चलेगा, कैलकुलेशन करके 0% करना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है उज्ज्वला एंड कंपनी गोवा ओएमएस। फिर उसके बाद दिया है सुमन एंड कंपनी 16,000। अच्छा ओएमएस को क्रॉस किया ना, गोवा अपने महाराष्ट्र में नहीं है। सुमन एंड कंपनी 16,000, 12.5% ऑफ शेड्यूल ई ये कंसीडर करेंगे। सुनीता एंड कंपनी 5% शेड्यूल सी 6,000 ये भी कंसीडर करेंगे। शैला एंड कंपनी शेड्यूल ए गुड्स 3,000 ये भी कंसीडर करेंगे। मतलब इस पूरे के पूरे सेल में क्या कंसीडर नहीं करेंगे, थर्ड पॉइंट डैश होगा, लेबर चार्जेस डैश होगा, फिर से एक बार प्रणीता एंड कंपनी लेबर चार्जेस डैश होगा, एंड उज्ज्वल एंड कंपनी ओएमएस इसको भी डैश करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो क्या करेंगे। पहले आएगा आउटपुट टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ एमवेट, तो सबसे पहले आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स में उन्होंने नाम भी दिए तो हम भी नाम लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है नाम लिखेंगे, वैसा कुछ फॉर्मेट नहीं होता, बट हम जिस तरह कर सकते हैं हम उतना कर लेंगे। गणेश एंड कंपनी शेड्यूल ई का सामान उसने परचेस किया था, सेल किया था 10,000 में। सो 10,000 इंटू 12.5% यह आएगा 1,250। उसके आगे उसने सुहास एंड कंपनी शेड्यूल सी का सामान जो है 10,000 का, सो 10,000 इंटू 5% ये कितना आएगा 500। नेक्स्ट उसने निकेश एंड कंपनी दिल्ली ये ओएमएस होने के वजह से डैश, जीरो नहीं है डैश। अब या तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और नीचे नोट लिख सकते हैं, या फिर ओएमएस करके डैश करेंगे। फिर नेक्स्ट है बालकृष्ण एंड कंपनी, बालकृष्ण एंड कंपनी इज लेबर चार्जेस। अब लेबर चार्जेस होने के वजह से हम उसको करेंगे डैश, क्योंकि ये सर्विस है, सर्विस के ऊपर एमवेट नहीं आ सकता। नेक्स्ट है प्रशांत एंड कंपनी शेड्यूल ए का सामान है। अब शेड्यूल ए का सामान उसने परचेस किया था, सेल किया था 5,000 का। सो 5,000 इंटू 0% एंड जीरो, इधर डैश करके नहीं चलेगा, उसको जीरो लिखने वाले। उसके बाद प्रणीता एंड कंपनी डैश, उसके बाद उज्ज्वल एंड कंपनी डैश, फिर उसके आगे 16,000 का 12.5% इसको कंसीडर करना पड़ेगा। 16,000 का 12.5% आएगा 2,000, सुमन एंड कंपनी 2,000, फिर उसके आगे 6,000 का 5% 300, फिर उसके आगे 3,000 शेड्यूल ए जीरो। सो टोटल आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 2,000 प्लस 300 प्लस 1750, वेलकम टू 4050। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑब्लिक सेट ऑफ। अब उसने क्या क्या परचेस किया था, कंप्यूट ही सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर जनवरी 2015 अंडर एमवेट सेट ऑफ परचेस अज्यूम नील, मतलब नील, तो परचेस का सेट ऑफ कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस करके मेरा आंसर आएगा 4050
एंड दिस इज MVAT पेएबल फॉर मी, MVAT पेएबल। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो किस पे MVAT नहीं आ सकता? महाराष्ट्र के बाहर सेल करेंगे, इंडिया के बाहर सेल करेंगे, या सर्विस, मतलब जो सेल नहीं है, महाराष्ट्र का सेल नहीं है, उसमें से किसी पे भी MVAT नहीं आएगा। MVAT तभी आता है जब मैं महाराष्ट्र में गुड सेल करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी तुम लोग खुद से कंप्लीट करने वाले हो। उसके बाद और एक क्वेश्चन है जो तुम लोग खुद करने वाले हो, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चलो ठीक है, पहले इसको लिख दो फिर आगे बढ़ते। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, करेक्ट। आगे भी वही करेंगे, मतलब क्या, तो जो सामान मैं सेल करता हूँ वहां से आउटपुट टैक्स आ जाता है, इसमें से जो सामान मैंने परचेस किया था उसका वैट में जेब में रखता हूँ, करेक्ट, और जो बचेगा वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। ये हम लोग करते आ रहे हैं। अब गड़बड़ ऐसी हो रही है, गवर्नमेंट ने कुछ सामान ऐसा दिया जिसके ऊपर ना सेट ऑफ नहीं मिलता। सेट ऑफ मतलब क्या, तो जिसका अमाउंट जेब में रखने की परमिशन नहीं है, उसमें वैट हो या वैट नहीं हो, जेब में नहीं रख सकते, बस बात खत्म हो गई। तो जितना मैं लोगों से कलेक्ट करूंगा उतना पूरा का पूरा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ऐसा कौन सा सामान होता है, जरा चेक करते हैं। फर्स्ट दिया है परचेस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, 100% सही बात। अगर मैं इंडिया के बाहर से परचेस करता हूँ, वो इंसान थोड़ी ना MVAT चार्ज करने वाला है, तो उसका MVAT है ही नहीं, तो जेब में रखने का सवाल ही पता नहीं होता। सेम टू सेम परचेस फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, अगर मैं किसी और स्टेट से परचेस करूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना डोमिनोज का डिस्काउंट कूपन है, मेरे पास डोमिनोज का डिस्काउंट कूपन है और मुझे डोमिनोज नहीं जाना, मुझे जाना पिज्जा हट। मैं पिज्जा हट जाके वो कूपन दूंगा, उनको बोलूंगा देखो ना डिट्टो दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है, मेरे को डिस्काउंट दो। वो लोग डिस्काउंट देंगे क्या? नहीं देंगे। इसका मतलब क्या, मेरे पास डोमिनोज का डिस्काउंट कूपन होगा तो मुझे डोमिनोज में ही जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं किसी और स्टेट से सामान परचेस करूंगा, इसका मतलब जिससे मैंने परचेस किया है वो किसी और स्टेट में है, तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अब ये सामान मैं महाराष्ट्र में सेल कर रहा हूँ और मेरे पास MVAT आ गया, अब मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकता कि इस MVAT में से मैं वो टैक्स जो किसी और गवर्नमेंट को मिला वो मेरे जेब में रखना चाहता हूँ। नहीं, अगर मैं लोकली परचेस करूँगा तो वो इंसान भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा और मेरे पास जो VAT आएगा उसमें से मैं बाकी का जेब में रख के बचा हुआ गवर्नमेंट को पे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जिससे परचेस किया उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही सेल किया है। अरे लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? और अगर मैं महाराष्ट्र के बाहर से परचेस करता हूँ तो उस इंसान ने तो किसी और गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, तो वो माइनस करने की मेरे को परमिशन नहीं है। नेक्स्ट, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, मैंने ऐसे डीलर से परचेस किया है जिस इंसान ने खुद का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, मतलब वो मुझे VAT ऐड करके सामान नहीं बेच रहा है। जैसे ये मार्कर 100 रुपीज़ का है, सपोज 100 रुपीज़ का, तो वो मुझे 100 में सेल करेगा, 100 प्लस VAT में उसको पे नहीं करूंगा, और ये चीज़ मैं मार्केट में 200 में सेल कर रहा हूं, तो उसका VAT मेरे पास आएगा 25 रुपया। अब 25 रुपये में से मैंने पहले वाले को कितना VAT दिया था? 0। मैं ये नहीं सोच सकता कि अगर उसने VAT लिया होता तो कितना लिया होता, उतना जेब में रखता हूँ, नहीं चलेगा। अगर उसने VAT लिया है ना तो ही मैं माइनस करूँगा। इसका मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करेंगे तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, परचेस ऑफ सच गुड्स ऑन विच क्रेडिट सेट ऑफ स्पेसिफिकली डिसअलाउड बाय गवर्नमेंट, तो स्पेसिफिकली डिसअलाउड बाय गवर्नमेंट, इसका मतलब मेरा ना मार्कर बेचने का बिजनेस है, मैं मार्कर परचेस करता हूँ मार्कर बेचता हूँ, मार्कर परचेस करता हूँ मार्कर बेचता हूँ, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जेब में रखता हूँ, बचा हुआ गवर्नमेंट को पे करता हूँ, फिर से नए मार्कर परचेस करता हूँ मार्कर बेचता हूँ, आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स प्रॉपर मेरा चल रहा है। अचानक से गवर्नमेंट ने बोला आज रात को 12 बजे से मार्कर के ऊपर का क्रेडिट बंद, क्रेडिट बंद मतलब क्रेडिट बंद, आज के बाद इसका MVAT जेब में नहीं रखने का। अब मैं रख सकता हूँ क्या? नहीं। अब इस बिल में MVAT है बट फिर भी मैं जेब में नहीं रख सकता, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता, क्योंकि इट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बोला नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है मोटर स्पिरिट लाइक पेट्रोल डीजल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ना मोबाइल का शॉप है,
मैं मोबाइल परचेज करता हूँ, मोबाइल सेल करता हूँ, अगर मैं इंडिया के बाहर से चाइना से मोबाइल इंपोर्ट करूँगा और महाराष्ट्र में बेचूंगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं अगर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट से, दूसरे स्टेट से, गुजरात से मोबाइल परचेज करके इधर बेचूंगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, मैं मनीष मार्केट में किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से मोबाइल परचेज करके मेरे शॉप में बेचूंगा तो भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर ऐसा कुछ मोबाइल बेचूंगा जिसका क्रेडिट डिसअलाउड तो भी नहीं मिलेगा। तो हुआ ऐसा कि अच्छा खासा मेरा बिजनेस हो गया, तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल भी डालता हूँ मैं, तो गाड़ी के पेट्रोल में एमवैट होता है, तो उस पेट्रोल का मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा पेट्रोल बेचने का बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट उन्हें बोला फूड आइटम्स, फूड आइटम्स फॉर अदर देन फूड बिजनेस, मतलब मेरा फूड का ही बिजनेस है ना, अगर मेरा पिज्जा का दुकान है तो फिर पिज्जा विज्जा परचेज करूंगा उसका क्रेडिट मिलेगा, बट मेरा मोबाइल का शॉप है और मोबाइल शॉप में मेरे एम्प्लॉयज के लिए मैंने अगर पिज्जा ऑर्डर किया तो उस पिज्जा में अगर वैट है तो उसका क्रेडिट पिज्जा का वैट में मोबाइल के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मोबाइल बेचने का बिजनेस है, पिज्जा बेचने का बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मोटर व्हीकल, अगर मैं गाड़ी परचेज करूंगा टू यूज एज फिक्स एसेट, अगर मेरा गाड़ी बेचने का बिजनेस है ना तो गाड़ी मेरे लिए फिक्स एसेट नहीं है, गाड़ी मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, गुड्स है, बट मेरा बिजनेस कौन सा है, मोबाइल बेचने का, मोबाइल बेचते बेचते इतने पैसे आ गए कि मैंने गाड़ी परचेज कर ली, उस गाड़ी का एमवैट मैं मोबाइल के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, मेरा मोबाइल बेचने का बिजनेस है, मोबाइल के साथ ही एडजस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इफ अमाउंट ऑफ एमवैट इज नॉट सेपरेटली चार्ज इन इनवॉइस, मतलब उसमें कितना एमवैट है जिससे मैं सामान परचेस करता हूँ उसने बिल में लिखा ही नहीं एमवैट कितना है, लिखा है मोबाइल इतना बस खत्म, एमवैट कितना लिखा ही नहीं है, तो मैं ढूंढ नहीं सकता क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बिल में होना चाहिए, अगर बिल में लिखा है तो ही उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। परचेस विदाउट इनवॉइस, मतलब मैंने इनवॉइस के बिना परचेस किया या फिर कच्चा बिल लिया, कच्चा बिल पता है अगर मैं इस जेरोक्स वाले के पास जाऊंगा, छोटा जेरोक्स को बोलूंगा जेरोक्स दे और फिर उसके अगर मैंने अगर बिल मांगा तो छोटे से पेपर लिख के देगा इतना जेरोक्स, जैसे चाय वाले के पास बोलूंगा मैं बिल चाहिए मेरे को ऑफिस में देने का, चाय वाला थोड़ी ना तुम लोग को टैक्स इनवॉइस देगा, वो क्या करेगा छोटे से पेपर पे लिख के देगा भाई 15 चाय लिया बस बात खत्म, तो उसको बोलते कच्चा बिल, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। वर्स कॉन्ट्रैक्ट, अब मेरा दुकान मुझे और थोड़ा बड़ा करना था, मैंने सोचा ऊपर एक पार्टीशन डाल दूंगा स्टॉक रखने के लिए वगैरह, कलर वलर करके लिया, मस्त इंटीरियर बना के लिया, तो वो इंसान जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो उसके बिल में एमवैट चार्ज करेगा, उस एमवैट का मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, मेरा बिजनेस मोबाइल बेचने का है, मोबाइल के साथ ही एडजस्ट कर सकता हूँ, जो सामान डायरेक्टली मेरे बिजनेस में यूज हुआ है उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, बट वो वर्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। नेक्स्ट है परचेस फ्रॉम सच डीलर, ऐसे डीलर से परचेस कर रहा हूँ हु हैज एंटर्ड इन कंपोजिशन स्कीम, मतलब ऐसे डीलर से मैं सामान परचेस कर रहा हूँ जो डीलर कंपोजिशन स्कीम में है। अब कंपोजिशन स्कीम क्या होता है ये वाला पॉइंट मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट हम लोग बहुत बाद में देखेंगे, बहुत बाद मतलब एक दो लेक्चर के बाद, पूरा लेक्चर मेरा ऑलमोस्ट आधा लेक्चर मेरा इस कंपोजिशन स्कीम के ऊपर होगा, उस टाइम पर ये पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। फिलहाल हमने क्या देखा कौन से सामान का क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब इनमें से कुछ भी सामान परचेस में होगा हम उसको इग्नोर करेंगे, उसका क्रेडिट माइनस नहीं करेंगे। चलो एक डेमो देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट टैक्स पेबल अंडर एमवैट फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर जून 2015, तुमने क्या देखा है कैलकुलेट टैक्स पेबल अंडर एमवैट फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर जून 2015, उसने क्या क्या परचेस किया, उसने लोकल परचेस किया 10 लाख का, 10 लाख का परचेस किया है बट शेड्यूल नहीं दिया है, तो शेड्यूल क्या होगा, शेड्यूल ई। उसके आगे परचेस फ्रॉम गुजरात, उसने गुजरात से परचेस किया 4%, परचेस फ्रॉम यूआरडी मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर क्या लिखता हूँ यूआरडी, तो अनरजिस्टर्ड डीलर, फिर सेल प्राइस ऑफ गुड्स नहीं सॉरी हाँ सेल प्राइस ऑफ गुड्स है 9 लाख, ओके तो अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, तो आउटपुट टैक्स मुझे किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा 9 लाख के ऊपर, करेक्ट, सो 9 लाख का आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करूंगा, उसमें से माइनस क्या करेंगे तीन चीज़ें परचेस किए, तो उसने तीन चीज़ें परचेस की है, उसने गुजरात से परचेस किया है, यूआरडी परचेस किया है और उसने लोकल भी परचेस किया, इसमें से कहाँ पे उसको क्रेडिट मिलेगा, तो उसको लोकल परचेस का क्रेडिट मिलेगा, गुजरात से परचेस किया मतलब महाराष्ट्र के बाहर से परचेस किया उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, फिर उसने यूआरडी परचेस किया उसका भी क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अभी इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सेम चीज आउटपुट टैक्स में उसने क्या बेचा है, सेल प्राइस ऑफ गुड्स 9 लाख में बेच दिए, शेड्यूल नहीं दिया तो अज्यूम करना पड़ेगा शेड्यूल ई, सो 9 लाख के ऊपर 12.5% का वैट आएगा, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, 9 लाख के ऊपर 12.5% यह आएगा 1,12,500। अब मैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि टोटल करने वाली कुछ बात है नहीं, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट अब्लिक सेट ऑफ,
तो सेटअप में उसने क्या क्या परचेस किया था? सबसे पहले उसने परचेस किया था लोकल परचेस। अब लोकल परचेस शेड्यूल ई का 10 लैक्स का परचेस किया था, सो 10 लैक्स के ऊपर 12.5% के हिसाब से आएगा 1,25,000, ठीक है। दूसरा उसने ना गुजरात से परचेस किया है, गुजरात से परचेस किया है नो सेटअप। फिर उसने कहाँ से परचेस किया है? यूआरडी परचेस किया है, उसके ऊपर भी नो सेटअप डैश डैश। सो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज 1,25,000 और माइनस करके मेरा आंसर आएगा -12,500। और -12,500 का मतलब क्या होता है? दिस इज कैरी फॉरवर्ड, इसको हम लोग रिफंड नहीं कर सकते, इसको मैं करूंगा कैरी फॉरवर्ड बस। तो ये मेरा क्वेश्चन खत्म। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज तुम लोग लिख सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ एमवैट लायबिलिटी, तो जल्दी से ये पूरा पार्ट कॉपी करो और इस आंसर को भी कॉपी करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन अपने बुक में प्रिंटेड नहीं था तो सोचा मैंने बना लूँ। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कैलकुलेट एमवैट लायबिलिटी, डिटेल्स ऑफ सेल्स, ये डिटेल ऑफ सेल दी है, डिटेल ऑफ परचेस, ये डिटेल ऑफ परचेस दी है, एक्स्ट्रा भी कुछ बात बोली है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ सेल्स, शेड्यूल ए 2 लाख में बेचा, शेड्यूल सी 5 लाख में बेचा, शेड्यूल ई 10 लाख में बेचा। ओएमएस मतलब क्या होता है? आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, उसने महाराष्ट्र के बाहर भी सेल किया है तो उसके ऊपर एमवैट नहीं आएगा, ये मैंने कर लिया क्रॉस, ठीक है। महाराष्ट्र के बाहर सेल करेंगे तो महाराष्ट्र का टैक्स नहीं एप्लीकेबल होता। डिटेल्स ऑफ परचेस, शेड्यूल ए ठीक है, इसका क्रेडिट मिलेगा, शेड्यूल सी इसका भी क्रेडिट मिलेगा, शेड्यूल ई इसका भी क्रेडिट मिलेगा। ओएमएस महाराष्ट्र के बाहर से परचेस किया तो 100% उसमें एमवैट नहीं है तो उसका क्रेडिट मिलने का सवाल ही नहीं है। फ्रॉम कैनेडा, कैनेडा पे अपने को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ऐसे डीलर से परचेस करे जिसने खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जो हमसे एमवैट चार्ज करने वाला ही नहीं है, तो उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पिज्जा फॉर स्टाफ, उसने स्टाफ के लिए पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा बेचने का उसका बिजनेस नहीं है, उसका फूड इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं है, बट फिर भी उसने पिज्जा ऑर्डर किया, उस पिज्जा के ऊपर एमवैट होगा तो उसका कोई क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा। शेड्यूल सी के गुड्स परचेस किए, यस इसका मिलना चाहिए, बट विदाउट इनवॉइस, विदाउट बिल होने के वजह से इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एमवैट दिया है 5,000, ये हम लोग एंड में एडजस्ट करने वाले, ये है पिछले महीने की उधारी, पिछले महीने की उधारी का ओपनिंग बैलेंस दिया है 5,000, तो ये 5,000 भी गवर्नमेंट से अपने को वसूल करना है। तो चलो लग रहा डिफिकल्ट है बट बहुत सिंपल। अब उसने क्या क्या बेचा? सबसे पहले शेड्यूल ए बेचा, जो उसने बेचा 2 लाख में, सो 2 लाख का 0%। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, एग्जाम में हर शेड्यूल का रेट भी देंगे, यहाँ पे तुम लोग को रेट भी देंगे बट अभी मैंने नहीं लिखा, 0। उसके बाद शेड्यूल सी जो उसने 5 लाख में बेचा, 5 लाख का 5% आएगा 25,000। फिर उसने शेड्यूल ई का सामान 10 लाख में बेचा, 10 लाख का 12.5%, 1,25,000। फिर उसने आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट भी किया जिसके ऊपर एमवैट नहीं होता, सो नो एमवैट डैश, सो टोटल हो गया 1,50,000। तो अभी तक के सॉल्यूशन को अगर मैं रीड करूं तो मैंने क्या किया है, मैंने ये सामान बेचा है और ये सामान बेचने के बाद जो भी पैसे आए वो तो मैंने जेब में डाल दिए, प्लस 1.5 लाख रुपए भी लोगों से लिया। अब मेरे हाथ में 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, इसमें से कुछ अमाउंट मुझे जेब में रखना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, शेड्यूल ए का सामान उसने परचेस किया 1,50,000 में, इंटू 0% आएगा 0,
फिर उसने शेड्यूल सी का सामान परचेस किया है 3,50,000 में, उसका इंटू 5%। चलो चेक करते, 3,50,000 इंटू 5% ये आएगा 17,500। फिर उसने शेड्यूल ई का सामान भी परचेस किया, जो उसने परचेस किया था 6,00,000 में, तो इंटू 12.5%, तो 6,00,000 का 12.5% आएगा 75,000। उसके बाद ओ एम एस हुआ, सो नो सेट ऑफ, ओ एम एस के लिए कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, डैश। फिर उसने कैनेडा से भी परचेस किया, आउटसाइड इंडिया से परचेस किया, नो सेट ऑफ, डैश। फिर उसने यू आर डी अनरजिस्टर्ड डीलर से भी परचेस किया, नो सेट ऑफ, इसका सेट ऑफ मिलने का सवाल ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया। फिर उसने पिज्जा ऑर्डर किया फर्स्ट आप, इसके लिए भी नो सेट ऑफ। सुनो ये सब कुछ बिना लिखे, इसके बारे में बाद में नोट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसने विदाउट इनवॉइस भी परचेस किया है, विदाउट बिल जो भी परचेस किया है उसके लिए भी नो सेट ऑफ, इसका कोई भी सेट ऑफ अपने को नहीं मिलेगा, डैश। तो टोटल कितना हो गया, 75,000 प्लस 17,500 इज 92,500। तो अभी फिलहाल कितना पेबल है, फिलहाल पेबल है 1,50,000 माइनस 92,500 इज 57,500। तो गवर्नमेंट अपने पास आई, बोलता है चल भाई 57,500 पे कर, हम क्या बोलेंगे, अरे भैया पिछले महीने का उधर कौन चुकता करेगा, पिछले महीने का उधर चुकता करो, 5,000 का उधर था वो माइनस करने के बाद मेरे पास आएगा 52,500 और इतना ही मैं पे करूँगा। अब जो हम लोग माइनस कर रहे हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ एमवैट, एमवैट का ओपनिंग बैलेंस, और जो बचेगा दैट इज माय एमवैट पेएबल, डन। तो ये दिख रहा था बहुत ही भयानक, बट इस क्वेश्चन में हमने इतना ही देखा कि किसका किसका क्रेडिट नहीं मिलता। अब जो 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना वो सेम ऐसा ही देखेगा, उसमें से 10 मार्क तुम लोग को ये कैलकुलेशन करने के लिए होंगे। अब ये तो कितना सिंपल है, 10 क्या, मेरे ख्याल से 10 11 12 मार्क्स में ये कैलकुलेशन के हो सकते हैं, सिर्फ 3 या 4 मार्क के लिए थोड़ा सा सर खुजाना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन के बाद चालू कर रहा हूँ। तो पहले इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करो, एक छोटा सा ब्रेक लो, चाय पे क्या हो, पानी पे क्या हो, टीवी देख के आओ, और उसके बाद हम लोग ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बट फिलहाल इसको कॉपी करो।